है, इतनी गुणवान है, मतलब सर्व गुण संपन्न थी तीनों बेटियां, कि लाई हम अपने बेटों से शादी कर लें, कुछ नहीं देंगे चलेगा, लेकिन बेटियां अच्छी हैं, जहां जाएंगी घर को स्वर्ग बना देंगी। तो फिर मुसलमान राजा से बात किए, राजा तैयार हो गए कि सही है कि भाई हम गरीब हैं, इसमें हमारे पास उतना धन भी नहीं है और ये धनवान है और हम करेंगे शादी। तो फिर तीनों लड़कियों को बुलाया राजा, और इधर वो भी बारात की तैयारी किए मुसलमान, और इधर राजा भी अपने घर की तैयारी कर रहे हैं पूरा। तो फिर एक लड़की से बोलते हैं कि मतलब घर के जैसे साफ सफाई करने के लिए, तो सफाई करती है क्या पूरे रास्ते घर में पूरा वही लेटरिंग कर देती है। तो जब राजा आते देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम निकल जाओ घर से, मतलब इतना गंदगी फैला दी हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, अब तुम जाओ घर से, घर में रहने काबिल नहीं हो, हमारी तो बहुत जैसे बेइज्जती हो गई। हाँ, तो फिर वो निकल गई जंगल में बैठी। अब दूसरी को कहें कि तुम भोजन बनाना और खूब अच्छा भोजन बनाना, भाई वो लोग इतनी गुणवान थी कि तैयार थी सब कुछ करने के लिए। तब कहें अच्छा ठीक है, जब वो भोजन बनाई इतना नमक डाल दी और जब राजा चखे उसको, कहें तू भी बेकार हो, अब तू निकल जाए यहाँ से, क्या मतलब शादी करे लायक तोहरो ना हो, अब तू जा यहाँ से। अच्छा भैया वो निकल गई जंगल में बैठी। और जब तीसरी लड़की की बारी आई, कहें अच्छा तुम खूब बढ़िया बिस्तर लगा दो कि उसी बराती सोएंगे, और वो इतना उस पर सब पे कांटा बिछा दी बिस्तर पे, जितना बिस्तर लगाई बराती के, हाँ सब पे कांटा ही बिछा। जब राजा गए देखे तो उनसे भी उदास हो गया मन के, कि अब हम किसी की शादी नहीं करेंगे, तीनों लोग निकल जाओ। अब तीनों लोग निकल जाके एक जंगल में बैठी हैं, और उधर से नारद भगवान पहुँचे उनके पास, तो पूछे क्यों आप लोग बैठी हैं, आप कौन हैं। कहें कि हमारे परिचय जाने चाहते हैं। कहें हाँ बताइए आप कौन हैं देवी। तो एक जनी कहीं भाई हम चटपटा माता, एक दिन कही हम अवसानी मैया है, जेका गाढ़ संकट पर है, हमें मन्नत मान दे, ओके साल में या छः महीने में पूरा हो जाते हैं। और एक दिन कही हम संकटा माता है, मतलब हम हूँ जे माने भाई, हूँ जेकरे बहुत संकट रहे मान दे पूरा हो जाए। और जब तीसरी वाले से पूछें कि तू के हो, कहेंगे तुरंत खोदिए देखिए भी पानी निकल आएगा, और जैसे एक मारती फौड़ा पूरा पानी पानी भरा था। नारद भगवान वहाँ से भगवान का नाम लेते हुए नारायण नारायण करते हुए अपने लोग चले गए, और तीनों देवियाँ अपने अपने धाम चले गए।